हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने इस बार कैट एग्जाम 23 लिखा होगा एंड इस समय बिल्कुल डीमोटिवेटेड हैं, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में हैं, बिकॉज आपका कैट एग्जाम वैसा नहीं गया जैसा आपने सोचा था। इस साल जो कैट का डिफिकल्टी लेवल था वो काफी इंक्रीज हुआ था। क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल, हर एक सेक्शन काफी डिफिकल्ट आया था एंड बच्चों के माइंडसेट इस समय ये बन चुके हैं कि हमें इस साल एमबीए करना ही नहीं है, अब हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, हमें तो भाई कुछ आता ही नहीं है, हम तो बहुत बेकार है, एवरेज है, अब हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। और इस वजह से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स हैं जो हर साल ये मिस्टेक करते हैं कि वो जैट का फॉर्म फिल नहीं करते। जैट की लास्ट डेट पहले 30th ऑफ नवंबर थी बट उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इस समय आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कैट 22 का डेटा भी देखोगे तो कैट 22 में अराउंड 2.5 लाख लोगों ने कैट का फॉर्म भरा था एंड जैट का जो फॉर्म भरा था वो 1 लाख स्टूडेंट्स ने ही फिल किया था, जबकि जैट में भी उतने ही अच्छे कॉलेजेस है जितने अच्छे कॉलेजेस कैट में मिलते हैं। क्यों ये इतना ज्यादा डाउनफॉल हुआ? क्योंकि भाई स्टूडेंट्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उनका कैट के बाद बिल्कुल एक तरह से होता है ना कि भाई अब मेरे से होगा ही नहीं, वो वाला फील आ जाता है। लेकिन अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, चाहे आप डीमोटिवेटेड हो, चाहे आपने जैट का फॉर्म फिल किया हो नहीं किया हो, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना, आपको शायद एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन, एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंटेंट इस वीडियो के बाद डेवलप हो जाएगा एंड शायद आप कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब है जिसको मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। भाई हम लोगों को बहुत बार क्या लगता है कि भाई हम लोग करेंगे पता नहीं फेल हो जाएंगे सक्सेसफुल होंगे, आप एक चीज समझो कि अगर आप कोशिश करोगे तो शायद मे भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल नहीं होगे। बहुत ही गहरी लाइन है, इस बात को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना, सोचना एंड यू विल रियलाइज कि भाई अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया ना तो फिर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहोगे, आप प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाओगे। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गिव अप करना चाहते हैं एंड अगर आपके आसपास कोई आपका ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन, कोई आपका फ्रेंड, कॉलीग, कोई भी गिव अप कर रहा है जिसके माइंड इस समय बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कैट एग्जाम के बाद वो काफी ज्यादा परेशान है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, शायद इस वीडियो से वो बहुत ज्यादा इंसाइट डेवलप करने वाला। आपको एक इंटरेस्टिंग इंसान की कहानी सुनाता हूं, वो है मरवन अट्टापट्टू। भाई ये श्रीलंका के एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं और अगर आप इनकी जर्नी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, डेब्यू हुआ एंड जब इनका डेब्यू हुआ पहले ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, कहा जाता था बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में भेजा गया इन्होंने पहला मैच अपना खेला, फर्स्ट इनिंग में 0 रन, दूसरे इनिंग में 0 रन, दोनों इनिंग में 0 रन थे और इनको टीम से बाहर निकाल दिया गया। सोचो कितना ज्यादा खराब इनकी बिगनिंग हुई है क्रिकेट जर्नी की, टीम से बाहर हो गए, फिर इनको अगला चांस मिला 21 मंथ तक ये फिर से मेहनत करते रहे, उन्होंने फिर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, फिर से इन्होंने हार्डवर्क किया, फिर इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में नेशनल टीम में मौका मिला एंड इनके साथ क्या हुआ, फर्स्ट इनिंग में अगेन 0 रन, सेकंड इनिंग में 1 रन, सिर्फ इतने ही रन बने एंड इनको फिर से टीम से निकाल दिया गया। बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, लोग कह रहे हैं बताओ इसको फिर से मौका मिला अराउंड 21 मंथ, 2 साल बाद फिर भी ये कुछ नहीं कर पाया, 0-0 रन बना रहा है, ये बहुत ही बेकार प्लेयर है। आप सोचो इसके बाद क्या हुआ, 17 मंथ्स तक इन्होंने मेहनत करी, फिर से जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट था काफी अच्छा खेला, लेकिन अगेन जब इनको मौका मिला इंटरनेशनल क्रिकेट में, पहली इनिंग में 0 रन एंड अगेन सेकंड इनिंग में 0 रन, फिर से 0 रन बना दिए। सोचो जस्ट इमेजिन, एक इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका भी नहीं मिलता है, ये प्लेयर को मौका मिल रहा है, 0-0 रन बना रहा है, आप इसका कॉन्फिडेंस लेवल समझो। ये उस दिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस दिन करना था, हाँ पूरे साल भर अच्छा खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छा खेला, वहां पे बहुत रन बनाए, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच हुआ, जब ये एक नेशनल टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा अगर आप इसकी जगह होते, जो आपके साथ कैट में हुआ कि कैट वाले दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या आपको गिव अप कर देना चाहिए? आप इनकी स्टोरी से सीखो, इनको टीम से फिर से बाहर निकाल दिया गया एंड उसके बाद क्या इन्होंने गिव अप कर दिया? क्या इन्होंने कहा मैं अब क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा? क्या इन्होंने ये बोला कि मुझे अब एग्जाम्स देने ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ खत्म कर देनी है, मैं तो अपने पूरा डिस्ट्रैक्शन कर दूंगा? नहीं, उन्होंने कहा मुझे प्रोसेस में विश्वास है, मैंने अगर कैट जैसे एग्जाम की मेहनत करी, मैंने अगर क्रिकेट में अपना सब कुछ दिया है, मैंने वहां पे हार्डवर्क किया है, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा जरूर, स्लोली मिल सकता है बट मिलेगा डेफिनेटली। और यही चीज इनके साथ हुई, फिर इनका कमबैक हुआ 3 साल बाद, और जब इनका कमबैक हुआ यू विल बी सरप्राइज टू नो इन्होंने 5000 से ज्यादा रन बना दिए, 16 सेंचुरीज बना दी, 6 डबल सेंचुरीज बना दी, एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर रहे श्रीलंका के लिए एंड कैन यू बिलीव कि इनको उसके बाद कैप्टन भी बना दिया गया। यहां से आप क्या सीख रहे हो? क्या इस प्रॉब्लम में आप जब आए हो, आप इस सिचुएशन में हो जब आपको गिव अप करने का मन कर रहा है, क्या इस प्लेयर ने गिव अप किया?
क्या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, चाहे आप एमएस धोनी की कहानी उठा के देख लो, चाहे आप किसी भी जिसको भी आप आइडल मानते हो उसकी जर्नी उठा के देख लो, आप शाहरुख खान की जर्नी उठा के देख लो, क्या वो डे वन पे सुपरस्टार बने? क्या किसी की मूवीज फ्लॉप नहीं हुई? क्या कोई बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन जीरो पे आउट नहीं हुआ? क्या बहुत अच्छा फुटबॉलर बेकार परफॉर्म नहीं किया? करते हैं। इन लाइफ ऑफ एवरी चैंपियन, हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब उसको लगता है कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जो थिंग्स है दैट आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, मैं उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 95% ऑफ द पीपल गिव अप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं उस पूरे फेस को, और 5% सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो उस डिफिकल्ट फेस से ओवरकम करते हैं एंड देन दे एंड अप बिकमिंग चैंपियंस। क्या टैलेंट का डिफरेंस होता है उन 5% और 95% में? क्या नॉलेज का डिफरेंस होता है? द आंसर इज नो, इट इज द परसिवरेंस। वो कहता है स्टूडेंट सर मेरा कैट खराब हो गया, कोई बात नहीं मैं जैक करूंगा। मेरा जैक खराब हो गया, कोई बात नहीं मैं सीमैट का पेपर लिखूंगा। मेरा ये एग्जाम खराब हो गया, मैं वो करूंगा। लेकिन अगर मैंने एक साल मेहनत करी, मैंने 6 महीने लगाए हैं, तो मैं गिव अप नहीं करूंगा। मेरा एक एग्जाम खराब हो सकता है, मेरा एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन अगर मेरा एफर्ट ऑनेस्ट था, मेरी प्रेपरेशन ऑनेस्ट थी, तो 100% मुझे रिजल्ट मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर एंड रिफ्यूज्ड टू क्विट। और ये जर्नी आप किसी भी जैक टॉपर से पूछ लो, वो आपको खुद बताएगा अपने एक्सपीरियंस। कोई स्नैप का टॉपर बना है, कोई सीमैट का टॉपर बना है, कोई एनमैट का टॉपर बना है। कैट एग्जाम खराब होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है। हाँ, उस दिन आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा आपने अपने आप से एक्सपेक्ट किया था, बट दैट डजंट मीन कि आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज डिजर्व नहीं करते। अगर आप नेक्स्ट 40 डेज तैयारी करने के लिए रेडी हो, अगर आप बोलो सर मैं मेहनत करूंगा, एक भी दिन स्किप नहीं करूंगा, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज तो करो, और ये आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जैक जैसे एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई, इसके बाद नहीं एक्सटेंड होगी, 10th ऑफ दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक एंट्रेंस एग्जाम है एंड 160 से ज्यादा एमबीए कॉलेजेस आप इस सिंगल एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। आपका एग्जाम कब होना है? 7th ऑफ जनवरी को होना है। 40 डेज के आसपास आपके पास है, एंड अगर आप एक सीरियस एमबीए एस्पिरेंट हो, जरूर जरूर अप्लाई करो, क्योंकि जैक के अगर आप टॉप कॉलेजेस देखोगे ना, आपके सामने है, ये आपके सामने। एक्सलाइट जमशेदपुर 32.7 लाख का एवरेज पैकेज है, एक्सलाइट दिल्ली, क्योंकि दोनों कॉलेजेस की कंबाइंड प्लेसमेंट होती है, 32.7 लाख। एग्जाम भुवनेश्वर जो एक बहुत ही ग्रो कर रहा है कॉलेज, 20 लाख का एवरेज पैकेज। आईएमटी गाजियाबाद इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग कॉलेज, 17.3 लाख। आईएमआई दिल्ली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस कॉलेज, 17 लाख। ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट 18.1। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो एक ड्रीम कॉलेज है, 14.8 का एवरेज पैकेज। तापमी मनीमाल 15.3 का पैकेज, इनमा 15.5, वेलिंकर 12, देन आपका माइका अहमदाबाद 20 लाख, केजी सोमाई 12.2, 14.5। इतने सारे टॉप कॉलेजेस जब आपके सामने हैं, तो अभी गिव अप करने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। हमें गिव अप करना नहीं, हम अपना एफर्ट लगाएंगे। और आप चाहे किसी भी टॉपर से पूछ लो जिसने जैट एग्जाम क्रैक किया है, जैट 23 का जो लेवल था वो इजी हुआ था, और इसी वजह से कट ऑफ भी ऊपर गई थी। अगर आपको आगे कट ऑफ दिखाने ही वाला हूं। जैट का जो पेपर पैटर्न है बहुत सिंपल है। आपका पार्ट वन आएगा जिसमें अराउंड 75 क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के 26, डिसीजन मेकिंग के 21 से 22, क्वांट्स एंड डीआई के 28 क्वेश्चन। ये 3 सेक्शंस है, और इन्हीं के स्कोर के बेसिस पर आपको किसी भी कॉलेज से कॉल आती है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सर हमें जीके करना है, हमें एसए करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो स्कोर है वो बाद में काउंट होगा, वो भी जब आपका एक्सएलआई में शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगा तब आपका ये जीके का स्कोर यूज होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अभी आपको यहां पे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। आपका जो मेजर फोकस है वो इस पार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या चीज करी है, तो एक बार आपका पार्ट वन पे अच्छा स्कोर आ गया, एक बार आपकी कॉल आ गई, उसके बाद भाई मैक्सिमम कॉलेजेस आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अगर हम बात करें कट ऑफ की, क्या स्कोर आपको एम करना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपको सिर्फ मैक्सिमाइज करना है, अपने एफर्ट को मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एक्सेलरेट की अगर हम एक्चुअल कट ऑफ की बात करें, ये एक्चुअल डेटा है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो बीएम प्रोग्राम के लिए मेल इंजीनियर या फिर मेल नॉन इंजीनियर के लिए 95% कट ऑफ थी, एंड फीमेल्स के लिए 92 थी। अगर हम एचआरएम की बात करें तो मेल इंजीनियर 93, फीमेल इंजीनियर 91, मेल नॉन इंजीनियर 90 एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 88। एंड यहां पे अगर हम बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सर किस स्कोर पे क्या मार्क्स आएंगे, तो आप देखो लास्ट ईयर कितना बड़ा ब्लंडर किया है स्टूडेंट्स ने। एग्जाम 75 मार्क्स का था जो आपका पार्ट वन था, जिसमें से आपकी शॉर्टलिस्टिंग बनी थी। अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना,
स्टूडेंट्स के माइंड में एक नैरेटिव बना हुआ था कि जैट एग्जाम तो डिफिकल्ट होता है, जैट 23 से पहले तक अगर आप जैट 22 तक का डेटा देखोगे तो भाई लास्ट ईयर से पहले तक अगर आप 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो ना, आपकी 35 मार्क्स पे आ जाती थी क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर होता था। बट 23 में जैट ने क्या किया, पेपर को थोड़ा मॉडरेट किया एंड लोगों को पता ही नहीं था, स्टूडेंट्स हमेशा वो गलत नैरेटिव के साथ जाते हैं कि मुझे तो इतना ही स्कोर लेके आना है। भाई आप मैक्सिमम डाउट क्या होता है अगर आप कमेंट में भी रीड करोगे, मैं ईमेल पढ़ता हूं, स्टूडेंट मेरे पास आते हैं सर मैं कितना स्कोर एम करूं, मुझे समझ नहीं आता स्टूडेंट एम कैसे करता है स्कोर। भाई आपके सामने एक एग्जाम पेपर, आप सारे क्वेश्चंस करोगे जो भी आपको आते हैं, अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, जो स्कोर आएगा वो देखा जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई भी कैसे एम करता है कि मुझे इतना स्कोर लेके आना है। भाई अगर आपको पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप जबरदस्ती 15 थोड़ी कर दोगे, अगर आपको 7 क्वेश्चन आते हैं जबरदस्ती 10 थोड़ी कर दोगे, तो आप अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज करोगे। लेकिन लास्ट ईयर लोगों ने ये नहीं किया, आपने गलत यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम किया, एक गलत अपना माइंडसेट बना लिया एंड आपने पहले ही सोच लिया मुझे तो इतना ही नंबर लेके आने हैं। फिर प्रॉब्लम क्या हुई, जिन लोगों ने 35 का पेपर करा उनकी परसेंटाइल 90। आप किसी भी जैट के स्टूडेंट से पूछ लो जिसने लास्ट ईयर पेपर दिया है, उसके साथ ये मिस्टेक हुई है, उसने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि पेपर थोड़ा सा आसान आया, ज्यादा अटेम्प्ट करने, उसने माइंडसेट वैसे ही बना रखा था कि 35 लेके आना है। लेकिन जो स्टूडेंट स्मार्ट थे, जिन्होंने मेहनत करी थी, उनको पता चल गया पेपर आसान आया है, उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और इस वजह से लास्ट ईयर 45 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आई है। ये एक्चुअल डेटा है, अगेन 43 मार्क्स में 98, 39 मार्क्स में 95। ठीक है, तो आप जब भी मॉक्स लगाते हो ना, देखा करो पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर आसान है कि डिफिकल्ट है, उस बेसिस पे आपकी कट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज होती है। कैट का पेपर इस साल डिफिकल्ट आया है तो अगर आपने कम क्वेश्चन भी करे हैं, आपने सही करे तो आपकी परसेंटेज ज्यादा आएगी। अब जैट 24 कैसा आएगा, वी डोंट नो, हो सकता है पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, हो सकता है मॉडरेट हो जाए, हो सकता है आसान हो जाए, वी डोंट नो एट ऑल। लेकिन आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रेपरेशन सॉलिड है, आपने मॉक्स लगाए, डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल को आपने बीट किया है, तो आपको पता चल जाएगा पेपर देने के बाद कि भाई डिफरेंस है। आप खुद देखो, आप जैट 23 का पेपर लिखो एंड जैट 22 का पेपर लिखो, हम लोग तो भाई बच्चों को पोर्टल पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं ताकि आप खुद अंडरस्टैंड करो, हाँ यार दोनों पेपर में वेरिएशन है, दोनों पेपर में डिफिकल्टी लेवल का चेंज है। और ये चीज अगर आपने सीख ली तो आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 75 मार्क्स का पेपर है, आप 40 डेज मेहनत करो, पेपर डिफिकल्ट आया भी तो कम स्कोर पे ज्यादा परसेंटाइल आएगी ना। अगर आपकी जैट में 85, 87, 88 भी आ गई तो आपके मैक्सिमम कॉलेजेस कवर अप हो गए, 90, 95 पे चले गए तो एक्सलरेट हो गया। ठीक है, एंड दूसरी चीज ये, पेपर आसान आया तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अपने स्कोर को इंक्रीज करो, अगेन आप परसेंटाइल को बीट कर सकते हो। तो ये चीज अगर आपका क्लियर, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, एफर्ट सही लगाना है, इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रेपरेशन का बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने जो तैयारी करी हुई है बस उसी में एड ऑन करना है। अगर आप वर्बल एबिलिटी एंड एलआर की बात करो, अगर आप डिसीजन मेकिंग की बात करो एंड आप क्वांट्स एंड डीआई की बात करो, ठीक है, ये तीन सेक्शंस आपके सामने हैं। इसमें से आपने वीए में आरसीज करे हुए हैं, आपने क्रिटिकल रीजनिंग करी हुई है, आपको जो एड ऑन करने हैं वो वोकैबुलरी एड ऑन करना है, ग्रामर एड ऑन करना है, इसके साथ आपको पोएम बेस्ड आरसीज करने हैं, करेक्ट, ये चीज आपको एडिशनल करनी है। बाकी जो चीज हमने करी हुई है आरसी और वर्बल एबिलिटी में कैट के लिए वो यहां पे रहेगा ही रहेगा। क्वांट का सिलेबस बिल्कुल वही है, क्वांट्स में आपको कोई भी वेरिएशन नहीं करना है, जो आपने अरिथमेटिक पढ़ा है, जो आपने एलजेब्रा करा है, जो आपने ज्योमेट्री करा है, नंबर सिस्टम करा है एंड देन उसके बाद जो आपने यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स किया है उतना ही आपको करना है, ऑलराइट। इसके साथ ही भाई डीआई में आपके एक दो सेट्स आने लगे हैं, कभी टेबल से, कभी केसलेट से, कभी चार्ट से, वो आप इजिली कर लोगे, वो कैट से ऊपर वाले लेवल का नहीं पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग एक मेक और ब्रेक है, लेकिन अगेन डिसीजन मेकिंग में आप एक चीज ध्यान रखना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप इस चीज को माइंडसेट लेके चलना कि जब भी आप डीएम के क्वेश्चंस करोगे ना, वहां पे हर एक क्वेश्चन में आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे, तीन ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे, मैक्सिमम टाइम्स आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज रहोगे, उसमें कि एक आंसर होगा करेक्ट आंसर और एक आंसर होगा आइडियल आंसर, ठीक है, बस यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मैंने पूरा का पूरा डीएम जो पढ़ाया है आपको, भाई पूरा डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर भी दे रहा हूं, जब आप वहां पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मैं कैसे शॉर्टलिस्टिंग कर रहा हूं, कैसे आंसर तक पहुंच रहा हूं। एक बार आपने डीएम की साइंस समझ ली ना, तो आप बहुत इजीली यहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लोगे। मेरा खुद डिसीजन मेकिंग में 99.8% था, विच हेल्प मी टू क्रैक एक्सेल राइट, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डीएम में अपने स्ट्रेंथ बनाओ। आपके अगर क्वांट्स स्ट्रेंथ है तो यहां पे स्कोर को मैक्सिमाइज करो, अगर आपको लगता है नहीं मेरा सर वीए और एलआर ठीक है तो यहां पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना जैट के लिए पर्टिकुलरली, पहली चीज अपने कॉन्सेप्ट्स तो बिल्ड करने ही करने हैं, प्रैक्टिस बहुत करनी है अपने को, ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी एंड जैट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, आपको PYQs करने हैं सारे के सारे, एटलीस्ट 10 इयर्स के जैट के प्रीवियस ईयर पेपर करोगे ही करोगे एंड देन आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने ताकि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आइडिया लग जाए एंड इन चार चीजों को करने के बाद यू विल बी इन अ गुड स्पेस, ठीक है। और ये चारों चीजें हम अपने क्रैश कोर्स में प्रोवाइड इस समय कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल कोर्स है, काफी बच्चे ऑलरेडी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं।
इस कोर्स में आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है 40 डेज की। भाई यहाँ पे आपको 100 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपका वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स, जीआई सब कुछ कवर अप है। 4 आपको इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी जो जैट स्पेसिफिक है, उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो जैट लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो जो भी टॉपिक आपने वीडियो देखा, जैट के अपनी ई बुक को ओपन किया, अभी आपको आगे दिखा भी दूंगा ई बुक कैसे काम करती है, अपने भाई वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जैट का माइंडसेट तैयार हो गया। आपको जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूं वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर मॉक्स कैसे लगाने हैं वो भी आपको स्केड्यूल दे रहा हूं ताकि आप एक डिसिप्लिन में रहो। तो ये कोर्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 1st of December से, पूरी की पूरी प्रेपरेशन इन एंड आउट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो डे 1 पे सबसे पहले आप डायग्नोसिस मॉक लिखोगे ताकि आपको पता चल पाए आप करेंटली कहाँ स्टैंड करते हो। देन आपको यहाँ पे हर दिन वीडियो लेक्चर देखना है डेली, अराउंड आपको 3 से 4 hours तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आपने भाई जैसे ही लेक्चर को देखा उसके बाद अपने पोर्टल पे गए, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, तो आपने वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे क्वांट्स का लेक्चर देखा, फिर यहाँ पे आरसी 1 का वीडियो लेक्चर देखा, यहाँ पे पाइप्स, रेजिस्टर, एवरेजेस किया, और जीके भी आपको करा रहे हैं साथ साथ ताकि आपको वो वाला स्ट्रेस भी खत्म हो जाए कि मैं जीके में कैसे करूंगा, वो सब चीजें अपने आप यहाँ पे हो जाएंगे। आप आओ तो सही, प्रेपरेशन स्टार्ट तो करो, गिवअप करने से क्या होगा, गिवअप करने से तो कॉलेज मिलेगा नहीं, हाँ एग्जाम देने से शायद मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी पे भाई कोशिश कर लो। जब आपने इतना टाइम दिया है कैट जैसा भी हो, लेट इट बी, अब जैट पे फोकस करते हैं। वर्बल एबिलिटी में एनालॉजीज, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग 2 का लेक्चर देखोगे, यहाँ परसेंटेजेस करोगे, फेब्रिक, करंट अफेयर्स, तो इस तरह से डेली आप वीडियो लेक्चर तो देखोगे ही देखोगे। जो भी टॉपिक आप देख रहे हो उसके अपनी ई बुक में जाके क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, और साथ में आपको मॉक्स को यहाँ पे स्केड्यूल दे दिया, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर लिख रहे हो, देन आपने फुल लेंथ मॉक्स लिख रहे हो, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रामर, आरसी, वर्बल एबिलिटी, हर एक चीज कवर अप है। यहाँ पे पूरा डीआई हो गया है, आपका एलआर हो गया है, पूरा का पूरा क्वांट्स आपको हो गया, बेसिक से एडवांस तक, करंट जीके के बाद स्टैटिक जीके आपके सामने आ गई है, एंड देन आपके जैट के प्रीवियस ईयर के पेपर आपके सामने। तो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म हो गया है, एंड देन उसके बाद जैट के आपके जो फुल लेंथ मॉक्स है वो आप अपियर करोगे, लास्ट में अपना फाइनल रिविजन करा और एग्जाम के लिए अपियर कर लोगे। मैंने बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है जीके का स्कोर जैट की फर्स्ट कट ऑफ में बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है, तो आपका फोकस होना चाहिए पहले पार्ट 1 पे, एंड आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता। जीके का जो स्कोर है वो लेटर स्टेज ओनली फॉर एक्सएलआई में काउंट होता है, बाकी तो किसी कॉलेज में जीके का स्कोर काउंट भी नहीं होता है, और वो भी इंटरव्यू स्टेज में, और इंटरव्यू में बहुत माइनर सी वेटेज है, कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है उसकी। तो आराम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो विदाउट थिंकिंग, पहले तो जैट का फॉर्म फिल करो, एंड क्रैश कोर्स से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, एंड आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स 7 जनवरी एग्जाम तक वैलिड रहेगा। 100 प्लस आवर्स के लेक्चर्स हैं, ई बुक्स हैं, फुल लेंथ मॉक्स है, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। तो फीस है दैट इज 3900 रुपीज, एंड पूरी इन एंड आउट आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहा है उसको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, उसको साथ में मिलेगी, बट अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी आप ले सकते हो, जिसमें आपको 8 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स एंड 15 प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलेंगे मॉक की फॉर्म में, और इन सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होंगे, एंड इसका जो फीस है दैट इज 800, जो अगेन आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in से परचेज कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स को देखो, समझो, नीचे सारे के सारे लिंक गिवन है, आराम से चेकआउट करो, डिसीजन मेकिंग का लेक्चर देखो, क्वांट्स देखो, एलआरडीए देखो, लगता है चीजें समझ में आ रही हैं, उसी तरीके से सारा का सारा कोर्स पढ़ाया गया है, तो आप कोर्स को ज्वाइन करके उसका बेनिफिट उठा सकते हो। और यही रीजन है कि जैट में वन ऑफ द हाईएस्ट रिजल्ट हमारे यहाँ से हर साल निकलते हैं, क्योंकि यार स्टूडेंट बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ आते हैं। अगर आप तैयारी कर, देखो जो कोर्स है ना उसमें टाइम देना पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा 40 मिनट पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं यार, हमें एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं आपको बोल भी रहा हूँ। डेली आपको 3 घंटे का वीडियो लेक्चर है, 1-2 घंटे का ई बुक से प्रैक्टिस करना है, तो आपको 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। तो अगर आप वो एफर्ट लगाने को तैयार हो तो भाई ऐसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आकाश घोषाल आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग बच्चा है, क्योंकि भाई इस बच्चे का कैट में वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था, जैट में गॉट 99.50 एंड करेंटली ही इज इन एक्सएलआई जमशेदपुर। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, सुकंता 99.16, 99.65, देन आशित आपका 99.65, अंकुश, देन ये काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल जैट एग्जाम क्रैक करते हैं, एंड अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपको भी एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगेन मैं बात वही बोल रहा हूँ, सिर्फ कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, आप सोचो मैं कोर्स परचेज कर लूँ सर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको 40 डेज लग के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वीडियो लेक्चर भी देखना पड़ेगा, आपको जो मैंने टाइम टेबल दिया उसमें पीवाईक्यू भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ई बुक से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और तब जाके आपको चीजें एकदम टू द पॉइंट समझ में आएंगी। और जहां तक बात है ई बुक्स की, आपको सारी की सारी ई बुक्स दिखा देता हूं, किस तरह से पूरा पोर्टल फंक्शन करेगा वो समझा देता हूं, ताकि आप बहुत तरीके से आराम से अपनी चीजों को समझ पाओ, ठीक है। कोर्स लेते ही वीडियो लेक्चर मिला, पोर्टल मिला, वीडियोस में सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिसके डेमो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, अब एक बारी पोर्टल भी देख लो। तो भाई जो आपको पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है उसके थ्रू जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके पास ई बुक्स का ऑप्शन होता है, मॉक्स का ऑप्शन होता है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर का ऑप्शन होगा। जब आप ई बुक पे क्लिक करोगे तो इस तरह की आपकी ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जैट की डिसीजन मेकिंग की ई बुक है, ये बहुत ही इंटरेक्टिव और टू द पॉइंट जैट एग्जाम के लिए बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो
काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ई बुक से प्रैक्टिस कर लेने हैं क्वेश्चंस, और टू द पॉइंट आपका वो टॉपिक कवरअप हो जाता है। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चंस अप्रोच करोगे, इनके सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस, आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी आपके मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की हमने ई बुक तैयार करी है। देन अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जैट की जीके की गाइड है। हमें पता है जीके का जो स्कोर है वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता, लेकिन हमें अपियर करना है। तो जैट रिलेटेड क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद आप यहाँ पॉलिटी देख पा रहे हो, और किसी के भी सॉल्यूशन देखने हैं अगेन सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है, आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं पूरा। आप यहाँ पे कंटेंट भी चेक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें, बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आपको टू द पॉइंट मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं जैट की क्वांट एंड डीआई की बुक की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप वीडियो लेक्चर अपना फिनिश करो यहाँ पे बुक पे आओ, और बुक पे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। एडिशनल यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख जाते हैं, सारे के सारे जैट ओरिएंटेड। आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने हर एक क्वेश्चन का अवेलेबल हो जाता है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट चेक करना, आप यहाँ पे सारे टॉपिक देख सकते हो, उसके बाद आप डीआई या किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंगल क्लिक के साथ। तो बिल्कुल इंटरैक्टिव तरीके से ई बुक बनाई है। इसी तरह से वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी की ई बुक है, अगेन जैट ओरिएंटेड, जहां पे आप उसी टाइप के क्वेश्चन देखोगे जैसे आपको जैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगेन आप यहां पे डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन चेक करना हो तो क्लिक करो, डायरेक्ट सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप यहां पे चेक कर सकते हो, आरसी हो गया, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंपल, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो जो टॉपिक्स आपके जैट में आते हैं वो सारे हमने यहां पे कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद जब आप पोर्टल पे वापस आओगे तो यहां पे आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टैब है। यहां पे आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं जैट के लेटेस्ट पैटर्न पे। इसके साथ भाई जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाते हो तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं इन द मॉक फॉर्म। तो इनको आप सबमिट करोगे तो चाहे आपका मॉक टेस्ट हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है। आप कंपेयर कर सकते हो क्या सही था क्या गलत था, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से कंप्लीट हो पाते। तो अप्रोच आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर ई बुक पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे, जिससे आपका फाइनल ब्रशअप हो जाएगा। तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी है। एंड सबसे पहले जाके जैट का फॉर्म फिल करो, एंड उसके बाद अपनी प्रिपरेशन लग जाओ, एंड अपने एफर्ट में बिल्कुल कमी मत रखो, फिर देखा जाएगा कहां पे सिलेक्शन होता है कहां पे नहीं होता। टेक केयर एंड गुड लक।